हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल फार्मेसी डिक्शनरी। हमारे आज के मेडिसिन रिव्यू की सीरीज में मैं एक ऐसे सिरप के बारे में बात करने वाला हूं जो एंटी एलर्जिक होने के साथ साथ थोड़ा सा एंटी एंजाइटी और सेडेटिव प्रॉपर्टी रखता है। इसका यूज अलग अलग इंडिकेशन के रूप में करते हैं। पहले इसके ब्रांड नेम के बारे में बात कर लेते हैं। इसका जो ब्रांड नेम है वह है अटारेक्स, और इसका जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है, मेन कंपोजिशन है जिसकी वजह से हमको एक्शन मिलता है फार्माकोलॉजिकल, वो क्या है? वह है आपका हाइड्रोक्सीजिन हाइड्रोक्लोराइड। यह हाइड्रोक्सीजिन हाइड्रोक्लोराइड एक ऐसा ड्रग है जो एंटीहिस्टामिक ड्रग की कैटेगरी में रखा गया है। साथ साथ इसके अंदर थोड़ा सा माइल्ड एंटी एंजाइटी एक्टिविटी भी है, और इनके असर के साथ साथ आपको एक और असर साथ में लिखा हुआ दिखाई जुड़ा हुआ दिखाई देगा, वह है स्लीप कॉजिंग प्रॉपर्टी, सेडेटिव प्रॉपर्टी भी आपको देखने को मिलेगी। चलिए विस्तार से बात कर लेते हैं इनके बेसिक प्रॉपर्टी के बारे में। सबसे पहला इसका इंडिकेशन ये कहता है कि अगर आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है, इवन बच्चे भी अगर ऐसे हैं जिनको किसी एलर्जिक रिस्पॉन्स की वजह से पूरी फुंसी हो रही हो, चकत्ते निकल करके आ गए हों, नाक से पानी टपक रहा हो, और बेसिकली खुजली जैसी हो रही चीज़ें हो रही होंगी, किसी कीड़े ने काट दिया हो, किसी इंसेक्ट बाइट ने कर दिया हो, या फिर किसी और रीजन की वजह से एक्जिमा वगैरह निकल करके आ गया हो, सोरियासिस वगैरह हो गया हो, स्किन पे आपके रैशेस दिख रहे हों, तो हम उस समय इसका यूज़ करते हैं। ये एलर्जिक रिस्पॉन्स की वजह से होने वाले सिम्टम्स हैं। और आप ये जानते हैं कि कोई भी ऐसा चीज़ जो कि आपकी बॉडी में आ करके एलर्जी कॉज कर दे, इसे हम एलर्जन कहते हैं। एलर्जन यानी कि कुछ भी चीज़ें हो सकती हैं। एलर्जन का सिंपल सा डेफिनेशन ऐसा होता है एंटीजन के रेस्पेक्ट में कि एनीथिंग विच एक्टिवेट द फंक्शन ऑफ योर एंटीबॉडी, यानी कि आपकी बॉडी के अंदर एक बॉडीगार्ड छिपा हुआ है जिसे हम एंटीबॉडी कहते हैं। अब ये तो चीज़ें आप जान चुके होंगे पेंडेमिक सिचुएशन के कारण से। तो जब कभी भी कोई भी चीज़, चाहे ये आपको फर क्यों ना हो, एनिमल के फर क्यों ना हो, या फिर पोलेन क्यों ना हो, कोई कीड़े को टच करने की वजह से हो कि जमीन में खेलते खेलते बच्चों के अंदर कोई केमिकल चीज छुआ गया हो, टच हो गया हो उसकी स्किन पे, तो कोई भी ऐसी चीज जिसके आ जाने से हमारा बॉडी उसको हटाने के लिए फाइट करता है, तो इस फाइटिंग के रिस्पॉन्स में एक केमिकल मीडिएटर रिलीज होता है जिसे हम हिस्टामिन बोलते हैं। हिस्टामिन एक लोकल हार्मोन का एग्जांपल है। तो जिस पर्टिकुलर पार्ट में ये चीज़ें आएंगी, उस पर्टिकुलर पार्ट में आपके रैसेस या फिर आपके चकत्ते जैसे या फिर आपकी खुजली जैसी चीज़ें देखने को मिलेंगी। और ये जो चीज़ें हैं वो ऑब्वियसली प्लेजरेबल तो किसी के लिए होंगी नहीं, तो हमको इनको सप्रेस करना होता है। सो ऐसे हिस्टामिन की वजह से जो इफेक्ट दिख रहे हैं, इनको सप्रेस करने के लिए हमको हिस्टामिन को उल्टा करना पड़ेगा। तो हिस्टामिन के एक्शन को उल्टे करने वाले ड्रग को बोलते हैं एंटी हिस्टामिनिक ड्रग। और ये जो हमारा आज का ड्रग है हाइड्रोक्सीजिन हाइड्रोक्लोराइड, ये एक एंटी हिस्टामिनिक क्लास का ड्रग है। एंटीहिस्टामिनिक को अगर हम फर्दर क्लासिफाई करना चाहते हैं तो मेनली इसको दो क्लास में क्लासिफाई किया जा सकता है। अलग अलग तरीके हैं और क्लासिफाई करने के, जनरेशन के हिसाब से भी है, फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन, या तो सेडेटिव और नॉन सेडेटिव के हिसाब से भी है। तो ये जो हमारा आज का ड्रग है वो थोड़ा सा सेडेटिव प्रॉपर्टी भी रखता है। सेडेटिव प्रॉपर्टी कहने का क्या मतलब है? एक सरल सिंपल लैंग्वेज में अगर आप साधारण व्यक्ति देख रहे हैं तो एक ऐसी प्रॉपर्टी जो हमको एकदम से आलसीपना लेकर के आए, हमको एक नींद के जैसे फीलिंग कॉज कराए, अपने अंदर एनर्जी का ना होना जैसा फील करा, या इधर और अच्छे से कहूं तो नींद लेने वाली एक्टिविटी लेकर के आए, तो इसे हम सेडेटिव कहते हैं। जब कभी भी हम कोई भी चीज ऐसे ड्रग को यूज करते हैं एंटीहिस्टामिनिक ड्रग का आज के टॉपिक में, तो ये तो अपना काम करेगा, हिस्टामिन के एक्शन को नलीफाई करेगा, न्यूट्रल करेगा, एलर्जिक से बचाएगा, लेकिन साथ साथ ये आपको उस व्यक्ति को थोड़ा थोड़ा नींद भी कॉज कराता है, और इसके कारण से हम अच्छे से सो पाते हैं। तो दो चीजें ध्यान रखिएगा, अगर आप कोई हैवी मोटर व्हीकल वाला ड्राइव करना चाहते हैं या कोई हैवी मशीनरीज यूज करना चाहते हैं तो ऐसे सिरप को यूज ना करें, कम से कम 5 से 6 घंटे के अंदर तक यूज ना करें, क्योंकि इससे आपको नींद आ सकती है, आपका कंसंट्रेशन बिगड़ सकता है, और वो सीवियर एक्सीडेंट भी हो सकते हैं। कुछ केस में ये डॉक्टर बच्चों को प्रिस्क्राइब करते हैं, इसमें लिखा भी है डिलीशियस स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है कि हमारे बच्चों को डॉक्टर ने ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब करी थी, और जब मेडिसिन प्रिस्क्राइब करा हुआ था तो उन्होंने साफ साफ ये चीज़ बोल दी थी कि इससे बच्चे को काफ़ी अच्छी नींद आएगी, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं एक फार्माकोलॉजिस्ट, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होने के नाते एक पेरेंट भी हूँ, साथ साथ उसके पेरेंट भी हूँ, तो जब हमने अपने बच्चों को यह दवाई दी लिमिटेड डोज के अंतर्गत, तो उसकी जो इचिंग की प्रॉब्लम थी वो सप्रेस तो हो गई, लेकिन उसे नींद भी आ गई। तो ये दो प्रॉपर्टी साथ में है, अगर ऐसा होता है तो घबराने की जरूरत नहीं है, इसलिए इसका डोज एक्सीड करने की बिल्कुल भी गलती ना करें। जो डोज आपके डॉक्टर ने आपके बच्चे के बॉडी वेट या एज के हिसाब से दिया हुआ होगा उसी डोज को फॉलो करें।
कुछ जगह इसके इस दूसरे वाले इफेक्ट का यूज भी कर लिया जाता है, जो कि बिल्कुल गलत है। अगर आप किसी भी ऐसे ड्रग का यूज उसके बाय प्रोडक्ट या बाय साइड इफेक्ट को यूज करना चाहते हो तो वैसा नहीं करना चाहिए। जैसे सिट्रिजिन खाने से हल्का सा नींद आता है तो कुछ लोग उसको नींद के लिए यूज करते हैं। आपको तो पता है कोरेस का जो जमाना बीत गया उसका लोग यूज करने की बजाय मिसयूज ज्यादा करते थे। तो ऐसा ये भी ड्रग है जिसका यूज हम कभी कभी एंजाइटी को सप्रेस करने के लिए देते हैं। एंजाइटी एक ऐसा फीलिंग है जहां पे हम डर के थोड़ा सा परसेप्शन में रहते हैं, थोड़ा हम घबराते हैं। जैसे ऑपरेशन थिएटर में जाने से पहले थोड़ा एंजाइटी तो डेवलप होता ही होता है। बच्चे अच्छे से अगर सो नहीं पा रहे हैं तो उनको भी ये ड्रग दिया जाता है थोड़ा सा क्वांटिटी में, लेकिन ये उसका मेन इंडिकेशन नहीं है। मेन इंडिकेशन है आपका एंटी एलर्जिक इफेक्ट। तो कभी भी जब आप बच्चों को ड्रग दें इस तरह के ड्रग, तो अपने डॉक्टर के सलाह पे ही दें और कभी भी इसके दूसरे प्रोडक्ट का यूज मेन यूज के रूप में ना करें। मतलब अगर बच्चे को सुलाना चाहते हैं तो ऐसे दवाइयों का यूज बिल्कुल भी ना करें। ये दवाइयां सेंट्रली एक्टिंग होती हैं। सेंट्रली एक्टिंग होती हैं मतलब हम अगर सिंपल सा बोलें तो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात कर रहा हूं मैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, जिसमें आपका ब्रेन और स्पाइनल कार्ड दोनों इंक्लूड हो जाते हैं। तो जब ऐसे ड्रग जो भी आपकी बॉडी में जाकर के सेडेशन इफेक्ट कॉज करते हैं, नींद का इफेक्ट कॉज करते हैं, और इनका अगर आप बिना किसी प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन के यूज करते हैं, बिना किसी एकदम प्रूफ के यूज करते हैं, यूजलेस यूज करते हैं, तो इससे उस मस्तिष्क के अंदर डेवलपमेंट में फर्क पड़ता है। इससे बहुत बार नींद थका थका फील करेंगे और जो डेवलपमेंट हो सकता था बौद्धिक स्तर पर, मेंटल का जो मूवमेंट था आपके एनहांसमेंट का, वो भी दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए आप इसका यूज केवल डॉक्टर के सलाह पे लिमिटेड क्वांटिटी के अंदर ही करें। और ऐसी कोई भी ड्रग जो शेड्यूल कैटेगरी की ड्रग आती है, शेड्यूल एच कैटेगरी की ड्रग है, इसका पहचान ये है कि आपके बोतल में लाल कलर की पट्टी मिल जाएगी, उस पर लिखा भी होता है शेड्यूल एच कैटेगरी की ड्रग। यानी कि ये एक ऐसे ड्रग होते हैं जिनको आपको तभी लेना चाहिए मेडिकल स्टोर से जब आपके डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब किया हुआ हो। तो खुद से लेंगे तो दिक्कत हो सकती है। और ऐसे कई चीजें ऐसी हैं जो मार्केट में आपको बताते हैं कि इसका डोज इतना है, इसका डोज इतना है। मैं फिर से कहूंगा, ये जो डोज का कैलकुलेशन है बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। ये बॉडी वेट के हिसाब से कैलकुलेट होते हैं, इसीलिए कभी भी आप अंदाज से अपने मन से 5 ml, 2 ml, 3 ml, 0.5 ml ऐसा गलती ना करें। आपके बच्चे के सिचुएशन और उसकी सीवियरिटी के हिसाब से डॉक्टर आपको सजेस्ट करता है। बाकी मैंने आपको वीडियो इसलिए बताया है ताकि आप इसके बेसिक नॉलेज के बारे में थोड़ा सा जानकारी ग्रैस्प कर सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इस वीडियो। नमस्कार, टेक केयर।